नमस्कार स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर मैं हूं आपके साथ रोहित और सात चरणों में जो चुनाव हुए थे जो एक तारीख को खत्म हुए उसका चुनाव परिणाम अब आ चुका है यानी एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए भी खुशखबरी है और एनडीए गठबंधन बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए तैयार है लेकिन इस बीच नरेंद्र मोदी के साथ कुछ ऐसा पहली बार हो रहा है जिसकी वजह से बीजेपी हैरान है और देशवासी भी हैरान है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जिस बहुत फर्क पड़ने वाला है भारतीय राजनीति में 2009 के बाद पहली बार खिचड़ी सरकार बनने को तैयार है पहले भी सहयोगी हुआ करते थे बीजेपी के साथ 14 और 19 में भी लेकिन उनकी उतनी अहमियत थी नहीं क्योंकि दो बीजेपी चौदह में जीत जाती है और तीन सौ तीन उन्नीस में जीत जाती है मतलब पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी खुद सत्ता में होती है तो सहयोगियों की इतनी जरूरत पड़ती नहीं कोई नाराज हो कोई आए कोई जाए कोई मतलब नहीं निर्णय लेने के लिए किसी से कुछ पूछा नहीं जाता था लेकिन अब की ऐसा कार्यकाल नहीं होगा सबसे पहले तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को हर दिन हर सुबह हर दोपहर हर शाम मना रखना होगा ब्रेकफास्ट लंच डिनर उनका पूछते रहना होगा ताकि वो गठबंधन के साथ जुड़े रहें और ऐसे में अब क्या कुछ बदलेगा इस कार्यकाल में उस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं तो आपको बता दें कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन में सरकार चलाने के लिए तैयार हैं अब आगे किस तरीके से रणनीति बनेगी कल बैठक में तय हो जाएगा अब इससे बदलेगा ये कि क्षेत्रीय दल जो खत्म हो रहे थे अब उनका एक बार फिर से उदय होगा और वो अस्तित्व में आएंगे अक्सर आपने देखा होगा कि रणनीति बीजेपी की यही रही कि क्षेत्रीय दल खत्म होते जाए आप चाहे हरियाणा में जेजीपी का हाल देख लीजिए आप महाराष्ट्र में शिवसेना का हाल देख लीजिए या जहां पर भी बीजेपी ने गठबंधन किया वहां पर उनके गठबंधन के साथी का क्या हाल हुआ यह इतिहास गवाह है आप कई उदाहरण देख सकते हैं दो महीने आपको बता दिए तो अब चुनाव परिणाम में जिस तरीके से अब की आए हैं इस बार क्षेत्रीय दलों का प्रदर्शन शानदार रहा एनडीए के साथ इंडिया गठबंधन में भी क्षेत्रीय दलों ने बेहतर प्रदर्शन किया तो अब क्षेत्रीय दलों की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो जाएगी आने वाले वक्त में साथ ही जो टीडीपी है चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार जो कि जेडीयू वाले हैं उनको अहम मंत्रालय मिल सकता है जी हाँ ऐसे मंत्रालय जिन पे अभी तक बीजेपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे अब वो मंत्रालय जेडीयू और टीडीपी के पास जा सकते हैं अब इसके साथ ही कोई भी निर्णय लेने से पहले अब गठबंधन के साथियों की हां बहुत जरूरी होगी अब ऐसा नहीं होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक का मन किया तो कर दिया अब गठबंधन के साथियों से पूछना होगा अब ऐसा नहीं है कि अगर दुनिया को जवाब देना है तो बीजेपी ने खुद जवाब तय कर लिया और दे दिया अब नीतीश कुमार से भी पूछना होगा और चंद्रबाबू नायडू से भी पूछना होगा अब ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी सब कुछ अपने हिसाब से इस देश में तय कर लेगी जो कानून लाना हो आ, या जो भी प्रस्ताव लाना हो ऐसा नहीं होगा अब हर चीज टीडीपी डी यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से पूछना ही पड़ेगा हालांकि अब इस बीच सब यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ना पलटे तभी अच्छा है जो कि लग भी रहा है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जब बिहार में छोड़कर गए एनडीए को तब भी उनके जो हरिवंश जी थे जो राज्यसभा के सभापति भी है उपसभापति उनको हटाया नहीं गया था तो उस वक्त भी ये था कि डोर खुले हैं नीतीश कुमार के और आखिरकार नीतीश कुमार फिर एनडीए में आ गए और कब आए इंडिया गठबंधन बनाकर आए और नीतीश कुमार की ही देन है कि आज इंडिया गठबंधन का इतना शानदार प्रदर्शन रहा लेकिन फिलहाल अभी नरेंद्र मोदी के लिए यही चुनौती है कि वो किस तरीके से पहली बार गठबंधन में सरकार चलाते हैं बहुत मुश्किल होने वाला है लेकिन अब इस मुश्किल से भी पार निकलना होगा नरेंद्र मोदी को और चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार के साथ सरकार चलानी होगी और बदलेगा क्या मैंने आपको बता दिया कि क्षेत्रीय पार्टियों का फिर से अस्तित्व में आ जाएंगी उनको अहम मंत्रालय मिलेगा और कुछ भी नरेंद्र मोदी अमित शाह अपने मन से नहीं कर पाएंगे हर चीज में हामी साथियों की लेनी होगी और जो मैंने शुरुआत में कहा ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में हालचाल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का पूछते रहना होगा अगर पांच साल तक सरकार चलानी है तो